अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें ये मेरे पास लाइम लाइट की शर्ट है ये ऑल ओवर में डिज़ाइन है अक्सर हमें प्रॉब्लम होती है कि ऑल ओवर में डिज़ाइनिंग कैसे की जाए तो मैं आपको स्टाइलिश कुर्ता शर्ट बनाना सिखा रही हूँ ये कुर्ता कमीज़ है और इसका चकोर बाज़ू में लगाऊँगी तो आज मैं इसमें आपको सिखाऊंगी चकोर बाजू कैसे कट करते हैं और कैसे इसको लगाते हैं सबसे पहले आपने तीरे की मेजरमेंट करनी है जितना आप तीरा रखना चाहें मैं इसका तीरा सात इंच रख रही हूँ सात यानी कि चौदह इंच होगा तो ये जो स्टिच हो गया तेरह इंच रह जाएगा इसी तरह से आम होल जो है वो हमें साढ़े आठ इंच चाहिए लेकिन मैं इसको नौ इंच रखूँगी क्योंकि ऊपर से मैंने इसकी शोल्डर की हाफ इंच कटिंग करनी है तो इस तरीके से आपने इसको रख के तो अच्छे तरीके से आपने मेजरमेंट करनी है दोनों साइडों से और करने के बाद अच्छी तरह से आपने चाक की मदद से या पेंसिल की मदद से निशान लगा लेने हैं और एक बॉक्स सा बना लेना है और फिर इसको कट कर लेना है और यहाँ से भी आपने हाफ़ इंच की कटिंग करनी है इसकी उसके बाद आपने अपनी कमीज़ की मेजरमेंट जो है फिटिंग है उसकी मेजरमेंट करनी है कि आपको कमीज़ कितना खुला चाहिए अगर आपको यहाँ से नाइनटीन इंच चाहिए तो आप ट्वेंटी इंच रखेंगे मीन्स के आपने टेन इंच डबल फोल्ड करके रखना है यानी कि हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है आपने जितनी भी कमीज़ की फ़िटिंग रखनी है तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इस तरह से तिरछी कट कर देना है आपने ताकि कमीज़ का जो है वो एक कुर्ते का स्टाइल आ जाए ये बाजुओं का कपड़ा है इसको मैंने सीधे बाजू नहीं लगा रही कमीज़ की तरह इसको मैं कुर्ते की शक्ल में ही बाजू लगा रही हूँ और इस यहाँ से मेजरमेंट करके हम हमीज इसके बाजुओं की कटिंग करेंगे ये चार इंच वहाँ से मयर हुआ है तो साढ़े तीन इंच तो चार इंच में रखूँगी हाफ इंच का मार्जिन भी है इसमें तो कमीज़ के बाज़ू जो है चकोर इसकी भी कटिंग ज़रा डिफरेंट होती है तो फ्रंट साइड से मैंने चेंज तैयार रखना है तो मैं इसको साढ़े छः इंच रखूँगी और इसको जस्ट आपने इस तरह से दोनों निशानों को आपस में मिला के तो कट कर देना है और बाजू की कोई कटिंग नहीं करनी ये देखें इस तरीके से ये बाज़ू हमारी कटिंग हो चुके हैं ये ये शेप बन जाएगी उसके बाद आपने इसको कमीज़ के साथ रख के देख लेना है कि आपकी जो कटिंग है वो परफेक्ट आ गई है ये देखिए यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा और उसको यहाँ रख के देखा ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हमारी हो गई है बाजुओं की तो इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करना शुरू करेंगे कि किस तरह से स्टिच करना है आपने यहाँ बिल्कुल दरमियान से जहाँ से तीरा जोड़ा है उसकी सिलाई और उसके बाद बाजू के दरमियान में एक निशान लगा लेना है और इनको आपस में बिल्कुल ऊपर नीचे रख के सिलाई कर लेना है तो इस तरह से सिलाई करते हुए आपने एज तक जाना है ये यह यहाँ क्योंकि हमारी गलाई नहीं है बाजू की इसलिए हमें यहाँ से बहुत एहतियात से इसको जोड़ना है यहाँ तक आके आपने ये जो कमीज़ का है किनारा इसको आपने हाफ़ इंच से थोड़ा कम कट कर लेना है इस दिरछा कट करने के बाद आपने यहाँ तक मशीन को ले के आना है सिलाई करके और सुई को अंदर रहने देना है और पाँव मशीन का ऊपर उठा के आपने बहुत संभाल के कमीज़ का बाज़ू और कमीज़ दोनों को आपस में इस तरह से मिला के सिलाई लगानी है क्योंकि चार इंच के मार्जिन हमने कमीज़ के बाज़ू में छोड़ा था और चार इंच ही कमीज़ में था ये आपस में मिलके के यहाँ से देखें बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग हो गई है किसी किस्म का कोई बल नहीं है किसी किस्म की कोई लचक नहीं आई इसमें तो इसी तरीके से इसी टिप से आपने ये जो और बाज़ू जो है जोड़ना है इसी तरीके से हम दूसरा बाज़ू जोड़ दूसरी साइड जोड़ लेंगे बाजू की उसको भी इसी तरह से हमने किनारे तक लेके आना है और वहाँ से मशीन का पाँव ऊपर उठा के तो इस तरीके से आपने दोनों जो कपड़े हैं उनको आपस में मिला लेना है यानी बाजू का कपड़ा और कमीज का और मिला के आपने सिलाई लगा लेनी है तो ये इस तरह से परफेक्ट आपका नीट बाज़ू जुड़ जाएगा ये मैंने एक इंच की पट्टी ली है उसको मैंने दोनों साइडों से हाफ हाफ इंच फोल्ड कर लिया था मेरे पास एक रिबन सा बन गया है अगर आप लेस लगाना चाहें या कोई और किसी किस्म की भी कोई और डिज़ाइनिंग करना चाहें तो ईज़िली यहाँ कर सकते हैं मैं ये ट्राउज़र के साथ का कपड़ा जो है वो रिबन के तौर पर यहाँ लगा रही हूँ तो यहाँ से आके आपने इसको फोल्ड करना है ताकि यहाँ इसका कोना अच्छी तरह से बन जाए बहुत ही महारत से यहाँ से फोल्ड करना है ताकि कोना बन जाए और वो अच्छा लगे ये देखें फ़ोल्डिंग का ये तरीका मैंने अपनाया है कि इसको पकड़ के आपने ऐसे आपने फोल्ड करना है तो ये देखें ये कॉर्नर सब बन जाएगा ये कारनर मैंने वहाँ बनाया है इस तरह से ये देखें ये पूरा मैंने जो पट्टी बनाई थी लगा ली है एक साइड इसकी अब दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लूँगी तो ये देखिए दोनों बाज़ों की जो पट्टियाँ थी वो लगी हैं बोट नेक पर भी मैंने ट्राउज़र का कपड़ा लगाया था अगर आप चाहें तो गले पे और ये जो पट्टी मैंने ब्लैक लगाई है इसके ऊपर हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं मिरर वर्क भी कर सकते हैं ये देखिए बाज़ू जो है कुर्ता स्टाइल में लगे हैं और कुर्ता स्टाइल में ही मैंने कट किए हैं ये कमीज़ जो है कमीज़ कुर्ता है अगर आप चाहें तो ट्रेडिशनल कुर्ता सीखना चाहें तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा लेडीज़ ट्रेडिशनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग भी लेकर आऊँगी अगर आपकी आ, आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें ताकि सब लोग वीडियो से फ़ायदा उठा सकें ये मैंने इसके साथ लेस लगाई है ये देखें गुम सिलाई से मैंने लेस लगाई है अगर आप भी गुम सिलाई से लेस सीखना चाहते हैं तब भी मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा तो मैं इस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी चैनल को रेड बटन से सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आल को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें और आप इससे एंजॉय भी करते रहें और अपना फ़ायदा भी उठाता रहें तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी ये कुछ आइडियाज़ में दे रही हूँ यहाँ से आप एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी कर सकते हैं इसके गले के ऊपर चाहें तो बड़े मिरर भी यहाँ लगा सकते हैं या लेस के साथ भी कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको थोड़ा सिंपल रखा है क्योंकि ये कुर्ता स्टाइल है कुर्ते ऐसे ही अच्छे लगते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़